इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज एक्सरसाइजीडियर सेंटीमीटर है अब क्यूबिकल ब्लॉक कहा है तो उसकी लेंथ भी ब्रेड भी और हाइट भी सेवन सेंटीमीटर होगी उसके ऊपर टॉप सरफेस पे एक हेमिस को रख दिया गया है वट इज द ग्रेटेस्ट द देमिस्फेयर कैन हैव फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द सोलिड जो ऊपर हेमिसफेयर रखा है वो ग्रेटेस्ट डायमीटर का रखा है ग्रेटेस्ट डायमी का मतलब क्या है जितनी साइड ऑफ द क्यूब है वही क्या है हमारा डायमी ऑफ द हेमिसफेयर ठीक है तो हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द सोलिड तो जो भी ये हमारे पास सोलिड है इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है सबसे पहले डायमेंशन लिखो क्या गिवन है साइड ऑफ द बॉक्स साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स क्यूबिकल बॉक्स इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा डायमीटर ऑफ हैमिस्फेयर वो भी क्या होगा यहां पे मैक्सिमम डायमीटर कह रखा है तो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है यहां पे? सेवन सेंटीमीटर तो सेवन सेंटीमीटर क्या आ गया डायमीटर ऑफ हेमिसफेयर अब रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस किसके इक्वल होता है डायमीटर बाय टू तो डायमीटर सेवन है तो सेवन बाय टू सेंटीमीटर आ गया मेरे पास रेडियस ऑफ द हेमिसफेयर अब हमें क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द सोलिड निकालना है तो वो देखते हैं क्या फॉर्मूला बनेगा उसके लिए तो यहां पर लिखेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्वल टू ध्यान से देखो सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए जो हमारे पास क्यूब है ऊपर जो पे है उसको थोड़ी देर के लिए आप हेमिस में स्किप कर दो भूल जाओ आप क्या करोगे यहां पे जो भी हमारा क्यूब है उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ ओफ... क्यूब उसमें क्या ऐड करेंगे अब आपने देखा उसके पे हेमिसफेयर भी है तो हम क्या लगाएंगे यहां पर सरफेस एरिया कौन सा कर्ड सरफेस एरिया अब देखो यहां पे हम कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्यों यूज कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही मैंने बाउल को उल्टा करके रखा है इसके ऊपर तो इस बाउल का बेस एरिया आपका यूज नहीं हो रहा है क्या हो रहा है बेस एरिया जो है बाउल का जो मैंने यहां पे लाइन से दिखाया ब्लैक लाइन से वो यूज नहीं हो रहा है तो इसीलिए आउटर एरिया के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे ओनली कर सरफेस एरिया ऑफ मी स्फेयर हैमी स्फेयर और इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको क्या माइनस करना पड़ेगा वो ध्यान से सुनो अब जैसे ही ऊपर वाले क्यूब के फेस पे आपने बाउल को उल्टा करके रखा तो जो बाउल का बेस है सर्कुलर बेस वो उस एरिया को क्या कर लेगा ढक लेगा कवर कर लेगा तो उस एरिया को हम क्यूब के एरिया में से क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट तो जो भी हमारा रिजल्टिंग एरिया आएगा उसमें से माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर बेस ऑफ हेमिस्फेयर क्लियर फॉर्मूला देखते हैं क्या बना सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है सिक्स इंटू साइड का स्क्वेयर सिक्स इंटू साइड का स्क्वेयर प्लस कॉड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर वो होता है टू आर स्क्वेयर माइनस में एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फेर अब यहां पे हेमी का बेस कैसा होगा सर्कुलर तो उसका एरिया क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर अब यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं ये क्या आ जाएगा सिक्स इंटू साइड का स्क्वेयर साइड क्या है सेवन तो सेवन का स्क्वेयर फिर प्लस टू स्क्वेयर में से पाईआर स्क्वेयर गया तो कितना बच गया पाईआर स्क्वेयर पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाई रेडियस कितना है सेवन बाय टू का सिंप्लीफाई करते हैं तो सिक्स मल्टीप्लाई सेवन का स्क्त मल्टीप्लाई सेवन बाई टेवन बाई टू मल्टीप्लाई सेवन बाई टू सेवन सेवन कैंसल टू वन जा टू टू इलेवन जा यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास सिक्स की फोर्टी नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू नाइनटी फोर और प्लस में इलेवन जा क्या हो गया सेवनटी सेवन बाई टू इसको कैलकुलेट कर लेते हैं टू नाइन्टी फोर प्लस सेवनटी सेवन को टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा थर्टी एट पॉइंट फाइव एड करो टू नाइनटी फोर प्लस थर्टी एट पॉइंट फाइव हो गया थ्री थ्री टू पॉइंट फाइव एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए